वेलकम बैक टू द टैक मुजो, जहां होती है सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों पबजी को लेकर के रोज आ रहे हैं नए नए अपडेट्स। कभी पबजी की डील हो रही है जियो के साथ में, और अब एक और नया अपडेट आया है। ऐसे में अभी यहां पर पबजी और जियो की डील हो चुकी है ऑलमोस्ट कैंसिल, कुछ उनके रिवेन्यू शेयर्स को लेकर के। अब यहां पर पबजी की बातें चल रही हैं एयरटेल से इंडिया में पबजी को वापस लेकर के आने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी और एयरटेल की डील के बारे में। तो अगर चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो। फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है पबजी और एयरटेल के बीच में। तो अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है फर्स्ट डे से, जबकि इंडिया में पबजी हुआ था बैन, क्योंकि इंडिया वालों ने पबजी को इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि आप लोगों ने करा दिए पबजी के 18 करोड़ डाउनलोड सिर्फ इंडिया से, जो कि पबजी के पूरे ग्लोबल वर्जन का 25-26% बैठता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है पबजी के लिए। और इसी के चक्कर में ब्लू होल, जो कि पबजी की पेरेंट कंपनी है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि इंडिया में पबजी हो चुका है बैन और उनके रेवेन्यू को लग चुका है बहुत बड़ा झटका। तो वो काफ़ी बार बात कर चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट से और जियो से, बट अब कहीं पर भी जब डील नहीं हुई तो अब वो आ चुके हैं एयरटेल के पास में, और एयरटेल और पबजी में होने जा रही है एक डील। ये भी अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको ये और बता दूंगा। अभी सिर्फ उन्होंने एक रास्ता ढूंढा है पबजी को वापस लाने के लिए इंडिया के अंदर, और ऐसे में पबजी देने वाला है अपना पूरा का पूरा इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन एयरटेल के हाथ में, और एयरटेल ही ऑपरेट करने वाला है इंडिया में पबजी को। तो ये पूरी की पूरी डील होने जा रही है एयरटेल और पबजी के बीच में। और ऐसे में हम लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि पबजी अपना सेटअप कर रहा है इंडिया के अंदर, जहां पे वो इंटरव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट के, जिनमें डिजाइनर्स हैं, कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं, सब हैं वहां पर, और वहां पर वो प्रोवाइड कराने वाले हैं जॉब्स भी इंडियन यूजर्स के लिए। और शायद से पबजी ने ये स्टेप लिया है कि शायद इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अनबैन कर दे पबजी को इंडिया में। बट मैं आपको एक चीज यहां पर और बता दूं, इस डील में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक 70 क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट भेजी हुई है पबजी को, और उन्होंने मांगा है उन क्वेश्चंस का आंसर। जब तक पबजी उन पूरे के पूरे 70 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे देता, वो अनबैन नहीं होगा इंडिया के अंदर। तो अब आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट करें कि आप लोगों को क्या लगता है पबजी कब तक इंडिया में अनबैन हो जाएगा, और क्या इंडिया में अनबैन होना चाहिए या फिर नहीं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं चाहता हूं कि पबजी इंडिया में अनबैन हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने टेंसेंट को पूरी तरह से रिमूव कर दिया अपने एशियन नेटवर्क से, तो यहां पर चाइनीज कंपनी का पार्ट्स नहीं बचता है इनके एशियन रेवेन्यू के अंदर। तो यहां पर अगर अनबैन हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, बट उसके लिए पबजी को सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी इनके साथ में है, पॉलिसीज को लेकर सॉल्व करनी होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको और भी अपडेट्स देता रहूंगा पबजी अनबैन को लेकर के, तो बने रहना टैक मोजो के साथ में। सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, जिससे हमारी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके इनबॉक्स तक पहुंचती रहे। और मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत सारे यूजफुल लिंक, जो कि हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल्स के, जाकर के जरूर से चेकआउट कर लेना। बहुत तगड़ी सेल्स अभी चल रही है फ्लिपकार्ट पर स्पेशली और अमेजन पर भी। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी हो किसी भी डिवाइस के बारे में डायरेक्ट से मैसेज मार देना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। Back.